लीला राम जी चलिए आपके पास ही आ जाते हैं। लीला राम जी ने अपने गांव में कुछ किया है? आप 100 बिस्तर के अस्पताल की बात कर रहे हैं। मैं कैथल की जनता से यही तो कहना चाहता हूँ, जो स्वयं बोलते हैं कि मेरी चलती नहीं, वो 100 बिस्तर का, वो एक बिस्तर का अस्पताल नहीं बनवा सकते? आपने कांग्रेस, सर सुनिए जी, आपने कांग्रेस इतनी अच्छी लगी तो ज्वाइन करके टिकट की मांग क्यों? जो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, केंद्र में काम तो करे अटल जी, केंद्र में काम तो करे मोदी जी, और हार कौन दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को? यहाँ के स्थानीय श्री लीला राम जी। अरे भाई लीला राम जी, जब आपकी चलती नहीं है तो तीसरी बार किसी और को अवसर देना था। चौधरी आए थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, रणदीप जी आए थे क्या? ये मेरे भाई जिनकी चलती नहीं है आए थे क्या? मैं आया था सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो क्या आप रोजगार दिला पाओ? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और युवा बेरोजगारों, मेरे मित्रों, आप मेरी हाथ जोड़ करके विनती है। गोयल जी एक मिनट, गोयल जी कब की उपज है? 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल, हमने 15 साल बिता दिए। 2 साल क्यों? 2 साल के बाद रिजाइन दे दो। अगर लोगों को ठीक नहीं लगा, यदि लोगों ने पसंद नहीं किया, तो मैं प्रशासन से व्यर्थ में नहीं भिड़ूंगा। और आप पार्टी ने तो गदर ही कर दिया। इनको तो यही समझ नहीं है कि कौन इनका अपना और कौन पराया है। 6 महीने 1 साल वाले आदमी को ये टिकट दे रहे हैं। बोले डॉक्टर साहब आप चर्चा में हैं, आप चर्चा में हैं, 5 वर्ष में तो कैथल स्वर्ग बन जाएगा। अब सबसे ऊपर किसको मानते हैं? सबसे ऊपर मैं हूँ। कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, कैथल के लोगों को कुछ नहीं होगा। देखो मत करना भूल और बटन दबाना गोभी का फूल। विधानसभा चुनाव के मात्र 3 दिन रह गए और कौन कैंडिडेट है जो आपके मुद्दों पर खरा उतर पाएगा, तो बातचीत करेंगे इसी मुद्दों को लेकर। आज अश्विनी अथवाल जी मौजूद हैं हमारे साथ और बात करें तो अश्विनी जी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कैथल से उतरे हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के मात्र 3 दिन रह गए, कितना लगता है आपको, दिलों में छा पाए? मुझे तो ये लगता है कि मैं सारे कैथल के विधानसभा के लोगों के दिलों में रहता हूँ जी, और सारी कैथल की विधानसभा मेरे हृदय में निवास करती है। मैं आपके माध्यम से कैथल के समस्त मतदाताओं को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। जब हम सड़क पे चलते हैं ना जी, तो उस पे लिखा होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जी। 5 वर्ष में ये एक पर्व आता है जी, और आपके मत का अधिकार आपके पास है। मैं कैथल की जनता को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सावधानी हटी और राजनीतिक दुर्घटना घटी। अगर आपने 5 अक्टूबर को मत पत्र पर 6 नंबर के सामने वाला फूल गोभी का बटन नहीं दबाया, तो 30 वर्ष तो चौधरी सुरजेवाला जी का परिवार, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, आप हाथ मलते रह जाओगे साहब। मैं कैथल की जनता से बात कर रहा हूँ। पहले हमने चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी को यहाँ से चुना, कुछ नहीं हुआ, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बने और उनको तो हमने मंत्री तक बनाया जी, उद्योग मंत्री बनाया। क्या किया उन्होंने? एक भी उद्योग नहीं लगा। जो सामान, जिसको ये PGI बोलते हैं, इनको PGI का अर्थ पता नहीं है, उसका सामान कैथल के लिए आया था, इन्होंने यमुनानगर भेज दिया। आज क्या बदतर स्थिति अस्पताल की। आपने अपने संबोधन में शुरू में कहा स्वास्थ्य शिक्षा, और इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। रणदीप जी ने कुछ नहीं किया, जेल भेजा। सुनी जी रोकना चाहूँगा, रणदीप जी ने काम नहीं किया, जो जर्जर मशीनें चले गई। लेकिन मैं कहूँगा लीला राम जी ने तो मेडिकल कॉलेज दे दिया, यदि मैं कहूँ जच्चा बच्चा के लिए एक और हॉस्पिटल दे दिया, तो उसको क्यों ना चुने, आपको क्यों चुने? क्यों बहका रहे हैं आप जी? लीला राम जी चलिए आपके पास ही आ जाते हैं जी। लीला राम जी ने अपने गाँव में कुछ किया है? आप 100 बिस्तर के अस्पताल की बात कर रहे हैं। मैं कैथल की जनता से यही तो कहना चाहता हूँ, जो स्वयं बोलते हैं कि मेरी चलती नहीं, वो 100 बिस्तर का, वो एक बिस्तर का अस्पताल नहीं बनवा सकते? आज कैथल का जो पुराना अस्पताल है, उसकी जर्जर स्थिति का जिम्मेवार कौन है? भाई लीला राम है। और जो स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरी चलती नहीं है, 100 बिस्तर का अस्पताल बनवा देंगे वो? आज कैथल की PGI, जिसको ये बोलते हैं दोनों के दोनों, क्या किया है? थोड़ी सी बरसात आ जाए, इन 10 वर्षों में ये पानी के गड्ढे तो भरवा नहीं सके। मैं कल उजाना गया था गांव में, इनके गांव में गया था,
वहाँ जो बदतर स्थिति मैंने देखी है और इनके स्वयं के भाइयों की जो मैंने स्थिति देखी है, वो कैथल के परिवार को ऊंचा उठाएंगे क्या? जो अपने परिवार को ऊंचा नहीं उठा सके, भाई लीला राम जी आप मेरे सहपाठी रहे हो, लेकिन मैं सच्चाई बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा। क्यों स्वीकार करते हैं आपके मैंने कुछ नहीं किया, इसका मतलब आप चलते नहीं हैं। और कांग्रेस है मेहनती, परिश्रमी, इज्जत करने वाले की, परिश्रम करने वाले की एक टी शर्ट में घूम रहा है, उसका परिवार नहीं है। अच्छा होता कोई और यहाँ पे उम्मीदवार होता तो मैं भी उसके साथ चलता। परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती कांग्रेस। आपने कांग्रेस, सर सुनिए, आपने कांग्रेस इतनी अच्छी लगी तो ज्वाइन करके टिकट की मांग क्यों? मैं राहुल जी की बात कर रहा हूँ। श्री सरथल में से मांग कर सकते थे आप। श्री रणदीप, मैं राहुल की बात कर रहा हूँ, श्री रणदीप सुरजेवाले की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बेटे कांग्रेस की बात नहीं मैं कर रहा हूं। कांग्रेस अच्छी है आपने कहा जी, कांग्रेस की तो फिर आप दावेदारी ठोक सकते थे। बहुत अच्छा प्रश्न, आप बहुत अच्छा, मैं आपका आपको साधुवाद देता हूँ, इतना सर्वश्रेष्ठ प्रश्न आपने किया है। मुझे वो आदमी अच्छा लगता है जो देश को आगे कुछ बढ़ाने की चेष्टा करता है, जो कैथल को आगे बढ़ाने की चेष्टा करता है। देखिए अब आपने जो कहा है, मैं मनोवर काशीराम की भी बात करता हूँ। काशीराम जी घर घर जाते थे, इसलिए आज मुझे उनको श्रद्धा। अब आप कहेंगे कि आपने उनको आवेदन नहीं किया, उनसे मैंने आवेदन इस नहीं किया, लेकिन मैं उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, क्योंकि वो घर घर जा कर के हेलीकॉप्टर से नहीं घूमते थे, वो अपना उनके बच्चे के, अपने परिवार के और बच्चे के विकास के लिए वोट नहीं मांगते थे वो। उन्होंने एक ऐसी पार्टी खड़ी कर दी कि उत्तर प्रदेश एक प्रकार से पूरा भारतवर्ष है, वहाँ पर इनकी सरकार चली, लोगों के लिए काम किया। मैं जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रवेश किया, हमारी आशा जगी कि हाँ अब कांग्रेस कुछ करेगी, लेकिन वो करना चाहते हैं, लेकिन जो नीचे के लोग परिवार को बढ़ावा देते हैं, भाई को बढ़ावा देते हैं, अब राहुल जी को भी मैं पसंद करता हूँ। तो राहुल जी ने, मैंने पहले ही बताया कि कहाँ से कहाँ तक उन्होंने शून्य तापमान में काम किया, लेकिन जब बात आती है और पूरे हरियाणा में ही ऐसा हो रहा है, पिता पुत्र पिता पुत्र पिता पुत्र, इसके अलावा कुछ नहीं होता क्या? कांग्रेस को आईना दिखाएंगे। मेरा एक निवेदन है भैया, जो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, केंद्र में काम तो करे अटल जी, केंद्र में काम तो करे मोदी जी, और हार कौन दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को? यहाँ के स्थानीय श्री लीला राम जी। अरे भाई लीला राम जी, जब आपकी चलती नहीं है तो तीसरी बार किसी और को अवसर देना था, नहीं दिया। मैं प्राय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि केंद्र में जो नेता हैं वो देश की सोचते हैं, और यहाँ के जो नेता हैं वो अपनी सोचते हैं। सुरजेवाला जी परिवार के अपने बच्चे को साथ साथ उठाए फिरते हैं, और लीला राम जी स्वयं को उठाए फिरते हैं। भाई मेरे कैथल के लोगों, एक अवसर मुझे दे दो, 30 वर्ष उनको दिए, 5 वर्ष इनको दे दिए, अब 5 वर्ष मुझे दे दो, हम सारे कैथल के लोग। अश्विनी जी आपने कहा मेरे को एक मौका दे दो, बिल्कुल ठीक है, आपको मौका दे दे, लेकिन जो युवा है, युवा से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि रोजगार में नंबर वन बन चुका है हरियाणा, तो क्या आप रोजगार दिला पाओगे? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और युवा बेरोजगारों, मेरे मित्रों, आप मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, मैं गाँव कठवाड़ में जाके आया था, उनसे पूछिए, और मैं उनको ये बोल करके आया हूँ कि 10 लोगों की सूची बना लीजिए, युवा बेरोजगार 10 लोगों की। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनको महल बनवा दूंगा, लेकिन मुझे काम करवाना आता है साहब, मुझे काम करवाना आता है। 10 लोगों को मैं वचनबद्ध पत्र दे करके आया हूँ मौखिक रूप से, और अगर आपने मुझे MLA बना दिया ना, आप देखेंगे कठवाड़ के 10 लोग लगेंगे। मैं सजुमा में एक महाविद्यालय की स्थापना के लिए लोगों से निवेदन करके आया हूँ। मिल सकता है, कैथल में अनेक ऐसे विभाग हैं जहाँ पद रिक्त हैं, और कैथल में अनेक ऐसे महाविद्यालय हैं जहाँ मैंने 2006 में भ्रष्टाचार के कारण DAV कॉलेज चीका की नौकरी छोड़ी थी। 2006 से लेके आज 24 चल रहा है, 25 आ गया है 2 महीने के बाद, 18 वर्ष हो गए हैं, एक किसी परमानेंट लेक्चरर की नियुक्ति नहीं हुई है। अच्छा, 18 सालों तक का आपने क्या किया? मैंने सामाजिक सेवा की है। आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं, कैथल के लोग जानते हैं, मेरी आशा वर्कर्स की बहन जब कभी आंदोलन करती है, मेरी बेटियां आंदोलन करती हैं, उनके सामने चुनौती बनकर खड़ा होता हूँ प्रशासन के सामने। मेरे किसान भाई, कोई इन दोनों में से कोई नहीं आया, जहाँ जाम लगाते हैं उनके सामने खड़ा रहता हूँ। और किसान भाइयों, अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत,
क्योंकि मैं आपका दिया हुआ खाता हूँ, पूरा देश आपका दिया हुआ खाता है। सोच लीजिए कि अगर मैं आपके पास एक बार भी गया हूँ, अनेक बार गया हूँ, लाठी मैंने खाई है। ओम प्रकाश करोड़ा वाले लोग प्रत्यक्ष दर्शी हैं इस बात के। अनेक ऐसे जो हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो भिन्न 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 भिन्न, उस समय तो सब किसान भाइयों की बात करते हैं, आज वो उनको लगता है कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, आज उनको लगता है कि बीजेपी की तो बात करते ही नहीं करते वो, तो क्यों नहीं मेरे बारे में सोचते भाई? मैं किसानों का नहीं सोचता क्या? जितने एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो विद्युत कर्मचारी है, चाहे वो सेक्रेटरी के कर्मचारी हैं, इवन तक के व्यापारी लोग, ज्वेलर्स भाई, कल मैं आपके ज्वेलर्स बाजार में था, आप जरा सोच करके देखो, सचिवालय में जब आप बैठे थे कौन आया था? चौधरी आए थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, रणदीप जी आए थे क्या? ये मेरे भाई जिनकी चलती नहीं है आए थे क्या? मैं आया था सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, मैंने बहुत सी यात्राएं निकाली हैं। अश्विनी जी कल यहाँ पर संजय सिंह आए थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अपने एक भाषण के अंदर कहा कि मेरे से तो संजय आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनसे तो सुरजेवाला भी नीचे है, अब सबसे ऊपर किसको मानते हैं? सबसे ऊपर मैं हूँ जी। दुर्भाग्य है संजय सिंह जी का, मैं संजय सिंह जी की इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि वो वास्तव में समाज से भी हैं। अच्छा, गोयल जी एक मिनट, गोयल जी कब की उपज है? 6 महीने जी। ज़्यादा से ज़्यादा साल, हमने 15 साल बिता दिए। मैं हर उस पार्टी के नए नेता को सिर पे बिठाता हूँ, कल्पना करता हूँ कि अब कुछ होगा। कैथल के लोगों कुछ नहीं हुआ, 5 तारीख को अगर आप भूल गए ना, फूल गोभी के सामने वाला बटन दबा करके, ये फिर लोग उसी तरह से, जब आप जाएंगे चंडीगढ़ गए एमएलए साहब तो, जब आप जाएंगे दिल्ली गए एमएलए साहब तो, और आप पार्टी ने तो गदर ही कर दिया। इनको तो यही समझ नहीं है कि कौन इनका अपना और कौन पराया है। 6 महीने 1 साल वाले आदमी को ये टिकट दे रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप पार्टी से आने वाले थे। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे तो समाज की सेवा करनी है, मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ सकता हूँ लेकिन जो कैथल का विकास करेगा। और दो लाइनों में आपको वोट क्यों दे? मुझे वोट बिल्कुल दे, और मैं ही यस बता रहा हूँ क्यों दे, क्योंकि मैं 24 घंटे आप 7 दिन आप लोगों के बीच में रहूँगा। मैं आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि साहब एमएलए साहब तो चंडीगढ़ गए, एमएलए साहब तो दिल्ली गए, एमएलए साहब तो हो सकता है कि अंदर बात कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि एमएलए साहब तो है नहीं, ये आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मैं हर महीने 3 महीने में हर 30-35 गरीब कन्याओं की शादी करवाऊंगा। शहनाई अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। मैं हूं आपका अपना। फूल गोभी 5 तारीख, ये परसों, भूलना नहीं है, सिर्फ 2 साल दे देना सर। कैथल की जनता से मैं सब जगह ये कहता फिर रहा हूं। 2 साल क्यों? 2 साल के बाद रिजाइन दे दो अगर लोगों को ठीक नहीं लगा। यदि लोगों ने पसंद नहीं किया तो मैं प्रशासन से व्यर्थ में नहीं भिड़ूंगा और ऐसा नहीं होगा। कैथल की जनता स्वयं, आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर अश्विनी चाहिए। मुझे रात इतने फ़ोन आए, मैं धन्यवादी हूँ सबका जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले डॉक्टर साहब आप चर्चा में हैं। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा चर्चा और दुष्चर्चा दो शब्द होते हैं, चर्चा में हूँ कि दुष्चर्चा में हूँ? बोले नहीं नहीं नहीं, दुष्चर्चा में आप नहीं हैं, दुष्चर्चा में वो है जो बंदर की तरह अपने बच्चे को उठाए फिर रहे हैं, दुष्चर्चा में वो है जो कहते हैं कि मेरी चलती नहीं, जिन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया, दुष्चर्चा में वो है जिन्होंने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया, दुष्चर्चा में वो है जिन्होंने 30 वर्ष कुछ नहीं किया। आओ हम सब मिलके करेंगे ना। कैथल की एक एक जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, और मैं भी ये भी कहता हूँ कि आपका जूता होगा साहब और मेरा सिर होगा, अगर केवल और केवल 2 वर्षों में, आप बार बार ये बात कर रहे हैं, 5 वर्ष में तो कैथल स्वर्ग बन जाएगा, बनेगा सब। यहाँ एक पानी की बूंद खड़ी नहीं होगी, यहाँ पे 3 महाविद्यालय और बनेंगे, यहाँ पर ये जो अस्पताल हैं उसकी एक रंगीन तस्वीर आपको नजर आएगी, सारे टेस्ट वेस्ट यहीं पर होंगे, निःशुल्क होंगे। और मैं एक बात और कहता हूँ, मैं दलित हूँ। अब दलित कौन होता है? जो मान्यवर काशीराम और मायावती जी की पार्टी के हैं वो दलित हैं क्या? ना, दलित वो हैं जिनके अधिकारों का दलन होता है। आप RC के लिए अप्लाई करते हैं? आप स्कूटर के लिए अप्लाई करते हैं? जरा हाल तो देखो वहाँ पर क्या है, आपके घर पहुँचेगी RC। एडवोकेट डॉक्टर अश्विन शर्मा, जिसका केवल और केवल उद्देश्य
अपना नहीं है, अपना घर का विकास करना नहीं है, कैथल का विकास करना है। इसलिए 5 अक्टूबर को फूल गोभी का बटन दबाना है। वचनबद्ध ये बात कह रहा हूँ, मेरे परिवार का कोई आदमी, कोई भी आदमी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी साहब, चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि मैं परिवार के लिए काम नहीं करता। लास्ट अपील सर, छोटी सी, बस कैथल का विकास करना है और फूल गोभी का बटन दबा रहा है। मेरा कोई बच्चा, मेरा कोई पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी, मैं परिवार के लिए नहीं, कैथल के लिए काम करता हूँ। 5 अक्टूबर परसों चौथ क्या करना है, बटन दबाना है फूल गोभी का। ये मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ। ये देखो, मत करना भूल और बटन दबाना गोभी का फूल, मत करना भूल भूल और बटन दबाना गोभी का फूल। बहुत बहुत तो कैसा देखते हैं इस वीडियो को, जरूर करें लाइक, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। लेकिन कौन है जो आपके मुद्दों पर खड़ा मिलेगा, कौन है जो आपके धरातल पर खड़ा मिलेगा, कौन है जो आपको शिक्षा देगा, कौन है जो आपको रोजगार देगा, एक बार 5 तारीख को वोट करने से पहले जरूर सोच लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।